अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का, और हम पूरी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इसमें। हमारे जो 10th क्लास में फ़िज़िक्स को लेके 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड सेकेंड चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई, एंड थर्ड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोर्थ चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड फिफ्थ चैप्टर इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम इन चैप्टर को 1 by 1 अपलोड करते जाएंगे आप लोगों के लिए। और इस चैप्टर के, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली लाइट भी एक अच्छे स्कोर में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, और जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। सो सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट की। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में हमें पता कैसे लगा? तो बेसिकली लाइट के बारे में सबसे पहले जब स्टडी किया जा रहा था तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिस्कार्टस। डिस्कार्टस साइंटिस्ट ने सबसे पहले लाइट के बारे में स्टडी किया, और उन्होंने बताया कि लाइट जो है, हमारे जो आसपास में लाइट आ रहा है बेसिकली वो एक पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रहा है। और डिस्कार्टस साइंटिस्ट ने इस बात को 1632 के अंदर दुनिया के सामने पहली बार लाए और बताया कि जो लाइट है ये एक रे की फॉर्म में आ रहा है, पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रहा है, और ये बीम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में चलता है। तो उसके बाद इसी बात को, डिस्कार्टस की बात को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने बताया, सर आइज़क न्यूटन। न्यूटन ने इसके लिए एक थ्योरी दिया, जो थ्योरी हमारे पास में 1633 के अंदर आता है। उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो लाइट, डिस्कार्टस की बात है वो बिल्कुल सही है, लाइट जो है एक बीम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में ही आता है, और बीम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में आने के लिए यहाँ पे न्यूटन की एक थ्योरी का नाम आता है, उस थ्योरी का नाम है कॉर्पस्कल थ्योरी। कॉर्पस्कल थ्योरी के अंदर न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है बेसिकली बहुत सारे पार्टिकल की फॉर्म में चलता है, और बहुत सारे पार्टिकल जो मिलके, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल जब चलते हैं तो वो एक बीम बन जाते हैं पार्टिकल के। जैसे हमने बहुत सारी बार लाइट को आते देखा है, अगर आप इमेजिन करो कि हमारे पास में कोई डार्क रूम है और उसके ऊपर एक छोटा सा होल हो रहा है, और कभी कभी हम देखते क्या है, जैसे ही गेट से एंटर करते हैं तो उस होल के अंदर से बहुत सारे लाइट के पार्टिकल आते हैं और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके गिरते हुए, तो इसका मतलब वहाँ पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल उस एरिया में घूमते रहते हैं, वो सीधे के सीधे पार्टिकल जाके गिरते हैं। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यही बात मानी जाती है कि ये लाइट जो चलता है बेसिकली वो एक बीम ऑफ पार्टिकल के रूप में चलता है, जिसको हम यहाँ पे मान लेंगे कि लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है। ये न्यूटन की थ्योरी थी, कॉर्पस्कल थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने इस बात को समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि कॉर्पस्कल थ्योरी यानी कि लाइट जो है वो बीम ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में चलता है। ये बात इन्होंने 1673 के अंदर बताया था। बट एक और साइंटिस्ट आए, जो साइंटिस्ट थे थॉमस यंग से पहले हाइजनबर्ग साइंटिस्ट ने आके बताया कि बेसिकली जो लाइट है, एक साइंटिस्ट आए हाइजन ने इसी बात को 1687 के अंदर आके बताया कि लाइट जो है बेसिकली वो पार्टिकल की फॉर्म में चलता है। वो बात उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने कहा कि लाइट जो है एक वेव की फॉर्म में चलता है, और जब लाइट वेव की फॉर्म में चलता है तो इसका मतलब वहाँ से लाइट के बहुत सारे पार्ट और खुल जाते हैं। आपने 10th क्लास में हमारे पास में इतना दे रखा है कि लाइट जो है एज ए रिफ्लेक्शन भी काम करता है, और लाइट जो है एज ए रिफ्रैक्शन भी काम करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें लाइट एज ए रिफ्लेक्शन, तो वो तो हमारे पास में न्यूटन की कॉर्पस्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग
प्रूफ हो जाती है बात कि लाइट एज ए पार्टिकल काम करता है, क्योंकि हमें कोई अगर मिरर लें और यहाँ से अगर लाइट को छोड़ें तो लाइट मिरर पर जाके जैसे टकराती है वैसे ही वो वापस आ जाती है, जितने एंगल से जाती है उतने एंगल से आ जाती है, जिसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। बट रिफ्लेक्शन को यहाँ से हम प्रूफ नहीं कर सकते इस बात को कि कॉर्पस्केल थ्योरी पार्टिकल की फॉर्म में है। तो लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बैंड कैसे होता है, वो मुड़ता किस तरह से है, और उसके बाद में लाइट के और जो पॉइंट हैं जो आप आगे बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे, एक पॉइंट यहाँ पे लाइट का आएगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, और दूसरा पॉइंट लाइट का यहीं से आएगा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ये बेसिकली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये 12th क्लास के अंदर जाके आते हैं। अब ये न्यूटन्स की कॉर्पस्केल जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं हो रही थी दोनों बातें, क्योंकि ये इंटरफेरेंस भी है, ये सुपरपोज करता है वेव की फॉर्म को, और उसके बाद में डिफ्रेक्शन जो है ये भी वेव की फॉर्म से प्रूफ होता है। तो जो हाइजनबर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने आके बताया कि लाइट जो है बेसिकली एक वेव की फॉर्म में चलता है, वेव की फॉर्म में एसोसिएटेड होता है। बट उस टाइम पे न्यूटन इतने अच्छे साइंटिस्ट माने जाते थे कि जो ये बोलते हैं वही ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने हाइजन की बात को मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, और उन्होंने माना कि जो न्यूटन की कॉर्पस्केल थ्योरी है यही सही है। तो न्यूटन की इस बात को ही एग्री किया जा रहा था, थॉमस की इस बात को एग्री नहीं किया जा रहा था। लेकिन थॉमस के बाद इसी वेव की फॉर्म में, सॉरी हाइजन के बाद एक साइंटिस्ट आए, थॉमस यंग, और थॉमस यंग ने आके बताया कि लाइट जो है बेसिकली वो एक वेव की फॉर्म में ही चलता है, वेव की फॉर्म में ही प्रोपेगेट होता है, क्योंकि इन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किया है जो हमारे 12th क्लास में आएंगे। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया है कि लाइट जो है ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस बनाता है, वो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को सिर्फ समझना यहाँ पे इतना है कि लाइट को रे की फॉर्म में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे डिस्कार्टस थे, बट डिस्कार्टस का एक्सप्लेनेशन जो था वो उस थ्योरी को जो प्रूव कर रहा था उसी बात को ही न्यूटन ने पकड़ के उस पर अपनी एक थ्योरी दी है जिसका नाम दिया कॉर्पस्केल थ्योरी। और इसके अकॉर्डिंग ही न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट को एज ए पार्टिकल ऑफ बीम की फॉर्म में माना जाने लगा। उसके बाद में हाइजन साइंटिस्ट आए, हाइजन ने वेव की फॉर्म में लाइट को बताया, और उन्हीं की बात को आगे थॉमस यंग ने भी बढ़ाया, और थॉमस यंग ने बताया कि लाइट जो है बेसिकली वो एक वेव की फॉर्म में ही काम करता है। लेकिन इन दोनों की बात को इतना बिलीवली नहीं लिया जा रहा था। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिस साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल, और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये जो लाइट है हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये लाइट हमारे पास में काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली किस तरह का मीडियम, एक तरह का वेव होता है जिसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तीन तरह के वेव होते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे, आप लोगों को भी याद होगा कि जो फर्स्ट वेव था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही था जिसे EM वेव बोलते हैं, दूसरा मकैनिकल वेव होता है, और तीसरा हमारे पास में मकैनिकल वेव होता है, और तीसरा होता है मैटर वेव, अगर आप लोगों को याद है। इसके अंदर हमारे पास में इन दोनों वेव को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक वेव की फॉर्म में चलता है, और उसकी बात को, ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उस वजह से साइंटिस्टों ने इस बात को भी माना कि हाँ जो हाइजन की बात थी, थॉमस यंग की बात थी वो सही है, क्योंकि लाइट जो प्रोपगेट कर रहा है उसे चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत तो है ही नहीं, वो तो किसी भी मीडियम में एंटर कर सकता है। तो इसका मतलब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जो ऊपर दोनों के दोनों साइंटिस्टों ने लाइट को एज ए वेव बताया है तो इसका मतलब ये बात सही है। तो लाइट एक वेव भी है थॉमस यंग और हाइजन के अकॉर्डिंग, लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में भी चलता है न्यूटन के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों बात को इकट्ठा किया है डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने, जो डी ब्रोई के नाम से भी जाने जाते हैं, और डी ब्रोगली ने आके बताया कि लाइट जो है बेसिकली वो ड्यूअल नेचर है। डी ब्रोगली ने आके बताया कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर है, वो दोनों नेचर में काम करता है, ड्यूअल नेचर में है, लाइट एज ए पार्टिकल भी काम करता है, लाइट एज ए वेव काम भी काम करता है। बट क्वेश्चन यहाँ से ये क्रिएट होता है कब लाइट एज ए वेव काम करता है,
और कब लाइट एज ए पार्टिकल की फॉर्म में काम करता है। तो इसका सीधा सा सोल्यूशन ये है, सम टाइम तो लाइट एज ए पार्टिकल वेव काम करता है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर होता है कि अगर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमने कौन सा मैटर लिया हुआ है, लाइट क्या सोर्स क्या लिया हुआ है जिस सोर्स से हम लाइट को भेज रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए लाइट जो है ड्यूअल नेचर में, बेसिकली वो ड्यूअल नेचर में लाइट एज ए पार्टिकल फॉर्म में भी काम करता है और लाइट एज ए वेव भी काम करता है। तो उस वजह से लाइट एज ए पार्टिकल भी है और लाइट एज ए वेव भी है। बट इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लाइट एज ए पार्टिकल, और पार्टिकल के भी अंदर हम छोटा सा इसका पार्ट पढ़ेंगे लाइट एज ए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट एज ए वेव ये हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है जो 12th क्लास के अंदर है। आपको इस चीज़ को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यहाँ पे बस यही देखना है कि लाइट कैसे कैसे यहाँ पे काम करता है। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ लाइट, कि लाइट बेसिकली होता कितने टाइप में है, तो अगर टाइप ऑफ लाइट की हम बात करें तो लाइट फोर टाइप्स में होता है, फोर टाइप्स में लाइट होता है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्ड लाइट। अब हार्ड लाइट को कैसे समझेंगे कि हार्ड लाइट कैसे होता है? हार्ड लाइट उस तरह का लाइट होता है जो किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो बिल्कुल क्लियर कट बना देता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज़ कोई यहाँ से बैटरी की टॉर्च चलाएं और इस मार्कर की, इस पेन की जो शेडो है, अगर यहाँ पे हमारे पास में बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर कट बन के आए, बिल्कुल साफ़ बन के आए, इसके अंदर आसपास में कहीं डिस्पर्स ना हो, तो इसका मतलब इस तरह की लाइट को हम क्या मानेंगे? हार्ड लाइट मानेंगे, जिसके ऊपर बिल्कुल क्लियर इमेज आ रही है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको यहाँ से, तो उस लाइट को कोशिश करते हैं बार, सपोज़ करो ये हमारे पास में ये लाइट है, यहाँ से हमने सोर्स दिया। अब इसके ऊपर देखो बिल्कुल इसका जो इमेज होगा वो क्लियर कट, तो क्लियर कट अगर इमेज हमारे पास में बन के आ रहा है तो उस तरह की लाइट को बोलेंगे हम हार्ड लाइट। क्योंकि यहाँ पे इसी बात को समझा जाना है कि हार्ड लाइट कैसा होता है। उसके बाद में दूसरा सेकंड टाइप का लाइट आता है हमारे पास में सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट, अब सॉफ्ट लाइट के अंदर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आता, वो थोड़ा डार्क आता है, उसके आसपास में डिस्पर्स रहते हैं, उसके आसपास में और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई ना दे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेडो होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें इसको समझने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखो अगर हम यहाँ से बनाएं, इसका बिल्कुल पता नहीं लग पा रहा कि किस तरह का इमेज बन रहा है, दूर से ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है इस मार्कर की, इस पेन की, तो वो सॉफ्ट है, वो इसका मतलब वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। जब क्लियर इमेज नहीं आएगी तो उस लाइट को बोलेंगे हम सॉफ्ट लाइट। और दो तरह के और लाइट होते हैं, एक का नाम होता है यहाँ पे स्पेकुलर लाइट, स्पेकुलर लाइट। स्पेकुलर लाइट का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी बैटरी की टॉर्च या कुछ भी ऐसा सोर्स जिससे हम लाइट यहाँ पे भेज रहे हैं, तो सपोज़ वो लाइट जैसे गया और लाइट जाने के बाद बोर्ड पे टकराए, और बोर्ड पे टकराने के बाद बिल्कुल मिड में तो वो बहुत डार्क लाइट दे, लेकिन उसके आसपास छोटी छोटी फिर शेडो बनती चली जाएँ, और वो लाइट धीरे 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 क्या होता है, बहुत कम होता जाए, बहुत वीक होता जाए, तो उस तरह की लाइट को स्पेकुलर लाइट बोला जाता है। आपने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि रात के टाइम पे जब भी हम कभी बैटरी का यूज़ करते हैं, तो हम लोग जब बैटरी को, जो टॉर्च को जब जलाते हैं, तो टॉर्च जब जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाके गिरता है तो उसके बिल्कुल मिड में है, सेंटर में है, बहुत ही तेज़ रोशनी होती है, बट उसके आसपास बहुत कम ब्लर वो साफ़ नहीं होती, बिल्कुल जैसा सेंटर पर बनती है। तो उसी तरह की लाइट को स्पेकुलर लाइट बोला जाता है, यानी कि सेंटर पर तो बिल्कुल क्लियर लाइट दे बट उसके आसपास में थोड़ा थोड़ा शेडो दे। और उसके बाद फोर्थ टाइप का जो हमारे पास में लाइट आता है, फोर्थ टाइप का लाइट आता है डिफ्यूज्ड लाइट। डिफ्यूज्ड लाइट ये बेसिकली 10th क्लास में नहीं है, ये लाइट की थ्योरी, बेसिक थ्योरी में है, जो हमें 8th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। और ये जो हमने बताया यहाँ पे, ये इसका इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट इतने अच्छे से 10th क्लास में नहीं दे रखा है, ये 12th क्लास में हमको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ये बेसिक ही है। तो जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक लाइट का जानना ज़रूरी है। अब हम लाइट को पढ़ेंगे तो है ही, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन अपना 10th क्लास वाला प्रोसेस सारा पूरा ही करेंगे, बट ये बेसिक है, तो इस बेसिक को भी जानना ज़रूरी है। अगर हम डिफ्यूज़ लाइट की बात करें यहाँ पे, बेसिकली डिफ्यूज़ लाइट होता किस तरह का है, अगर आपने देखा हो कोई भी हमारे पास में इस तरह का मीडियम है जो ओपेक कर लेता लाइट को,
मतलब कहने का ये है कि जैसे ही हमने लाइट यहाँ से छोड़ा, सपोज मेरी बॉडी है और यहाँ से बैटरी हिट हो जाए, अब जो लाइट मेरे पास बॉडी पे आके गिरेगा वो चारों तरफ को फैल जाएगा ब्लर ब्लर में, बहुत मतलब डार्क नहीं आएगा लेकिन चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ वो लाइट को फैला देगा, लाइट ना तो यहाँ से टकराने के बाद वापस जाएगा ना लाइट मेरी बॉडी के अंदर को पास होके आगे जाएगा, लाइट क्या होगा यहीं पास पास में चारों तरफ में फैल जाएगा। अब लाइट अगर चारों तरफ आपस में फैल जा रहा है तो इसका मतलब वो वहीं के वहीं डिफ्यूज़ हो जा रहा है, तो इस तरह के लाइट को बोला जाता है हमारे पास में डिफ्यूज्ड लाइट। तो बेसिकली चार टाइप का लाइट होता है जो हमने आपको बताया, हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट, स्पेकुलर लाइट और डिफ्यूज लाइट। और लाइट को सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट डिस्कार्टस 1632 के अंदर उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि लाइट एज ए पार्टिकल काम करता है, बट उसी की बात को, डिस्कार्टस की बात को ही न्यूटन ने आगे एक थ्योरी के नाम से दिया, कॉर्पस्केल थ्योरी। और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही लाइट को भी एज ए बीम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में माना जाने लगा, और न्यूटन की इस बात को ही सही माना जाता है एज ए पार्टिकल के लिए। बट लाइट एज ए वेव बताने वाले साइंटिस्ट हाइजन थे, और हाइजन की बात को ही आगे थॉमस यंग ने बताया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो एक्सपेरिमेंट हम आगे बड़ी क्लास में जाके करेंगे। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलता है, ये मैक्सवेल ने बताया था। और जब मैक्सवेल ने बताया कि लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम करता है, तो तभी इस बात को थॉमस यंग की और हाइजन की बात को भी सही माना जाने लगा। उससे पहले लोगों का विश्वास, यानी कि साइंटिस्टों का विश्वास इतना नहीं था इस बात के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर। उसके बाद डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए जिन्होंने दोनों थ्योरी को सही माना कि लाइट जो है एज ए पार्टिकल भी काम करता है और लाइट एज ए वेव भी काम करता है, तो इसको डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने यही नहीं कहा कि लाइट, डी ब्रोगली ने कहा हर एक मैटर इस यूनिवर्स के अंदर ड्यूअल नेचर में ही होता है, ड्यूअल नेचर में ही काम करता है। अब ये बात ड्यूअल नेचर के लिए बहुत बड़े टॉपिक है, इसके पीछे की भी बहुत बड़ा रीज़न है, उस रीज़न को भी हम 12th क्लास में समझेंगे। तो ये बेसिक था लाइट का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ को आगे चलते हैं कि लाइट में हमने यहाँ पे पढ़ना क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, जो हमारे पास में 10th क्लास के सिलेबस में आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे दिया गया है लाइट एज अ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो बेसिकली कोई भी रिफ्लेक्शन बनेगा तो उसके लिए हमें कम से कम जो भी कोई ले रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की दो सरफेस होनी चाहिए। पहले सरफेस को हम एक को रफ़ कर लेंगे। अब रफ़ अगर सपोज़ ये हमारे पास में कोई ग्लास है, ये हमने कोई ग्लास ले लिया है, अब इस ग्लास के हम एक साइड पॉलिश कर लेते हैं, और पॉलिश जिस मटेरियल की करते हैं उसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की हम यहाँ पे पॉलिश कर लेते हैं। अकेले सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश नहीं होती है, और भी बहुत सारे इसके साथ में रहते हैं, एल्यूमिनियम की पॉलिश हो जाती है, गोल्ड की भी पॉलिश कर सकते हैं, बट कॉस्टली ज़्यादा होता है, बहुत महंगा होता है, तो उसकी पॉलिश नहीं कर सकते। तो इसकी एक साइड पे हमने पॉलिश किया, और जब हमने पॉलिश किया तो इस साइड को हमने रफ़ बना लिया, इस साइड को हम रफ़ बोलेंगे। और दूसरी वाली साइड जो है इसकी, अभी ये स्मूथ साइड है, इस वाली साइड को हम स्मूथ साइड बोलेंगे इसका। अब दो तरह की साइड यहाँ पे बन के आ गई हैं, एक रफ़ साइड बन के आ गया है, दूसरा स्मूथ साइड बन के आ गया है। अब अगर कोई भी लाइट हम यहाँ पे इस पे इंटर कराएं, कोई भी लाइट हम यहाँ पे छोड़ें, तो इसके अंदर होने वाला क्या है बेसिकली, ये स्मूथ सरफेस, ये रफ़ सरफेस। अगर रफ़ सरफेस की तरफ कोई भी लाइट रे आएगा, दोनों तरफ से लाइट रे आ सकता है, तो इधर से जो लाइट रे आएगा वो लाइट की अगर रे की फॉर्म में हमने यहाँ पे पढ़ना है, तो अगर कोई भी लाइट रे रफ़ सरफेस की तरफ से आ रहा है, तो जो भी लाइट रे रफ़ सरफेस की तरफ से आके गिरेंगे यहाँ पे बीम ऑफ लाइट, तो बेसिकली वो लाइट क्या होगी, यहाँ पे चारों तरफ फैल जाएगी, आसपास में ही फैल जाएगी लाइट, वो ना तो वापस जाएगी पीछे हट के और ना ही वो आगे जाएगी। तो लाइट जब यहाँ पे फैल जाएगी तो लाइट एज ए डिफ्यूज्ड हो जाएगी, जो हमने वहाँ पे बताया कि लाइट एज ए डिफ्यूज्ड हो जाएगी यहाँ पे, तो डिफ्यूज्ड लाइट इसी लाइट को बोला जाता है जो लाइट किसी भी ऑपेक मीडियम के ऑब्जेक्ट वाली साइड से आकर टकराता है और लाइट सारी डिफ्यूज हो जाती है। तो इस तरह का लाइट का डिफ्यूज हो जाना ओपेक भी कहलाता है, ओपेक यानी लाइट का एब्जॉर्ब हो गया, लाइट यहीं कहीं रुक गया, ना तो वापस हट के गया ना आगे चल के गया। बट अगर हम दूसरी बात करें इसी के लिए, अगर हम यहाँ पे स्मूथ वाली सरफेस से लाइट को ट्रांसफ़र करें, और अगर हम यहाँ से लाइट को ट्रांसफ़र करेंगे ऐसे, तो जैसे ही लाइट इधर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर जाके टकराएगा, तो हमें पता है हमेशा जैसे ही लाइट स्मूथ वाली सरफेस पे जाके टकराता है, तो इस स्मूथ वाली सरफेस से वो लाइट जितने डिग्री एंगल पे जाता है उतने डिग्री एंगल पे वापस आ जाता है, तो इसके लिए वो लाइट यहाँ से वापस भी आ जाएगा, और इसके बीच में एक लाइन रहेगी जिस लाइन का नाम रहेगा नॉर्मल।
नॉर्मल, और ये इसका बीच का लाइन जो है वो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन। अब इसके लिए हमारे पास में ये जो लाइट हमने यहाँ से छोड़ा है, इस लाइट को, आने वाले लाइट को जो मिरर की तरफ आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, और उसके बाद में ये जो लाइट है ये नीचे की तरफ को जा रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन लाइट, रिफ्लेक्शन रे। अब ये जो आई थी लाइट हमारे पास में ये इंसिडेंट रे थी, और ये जो वापस गई है ये रिफ्लेक्शन रे है, सॉरी। और उसके लिए ही जो इंसिडेंट रे है जैसे ही प्लेन मिरर से टकराता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करता है, जो एंगल क्रिएट करता है सपोज़ यहाँ पे इसने एंगल क्रिएट किया आई, सेम वैसे ही लाइट रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये भी उतना ही एंगल क्रिएट करेगी यहाँ पे आई। अब यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ है, तो जितना लाइट यहाँ पे गया है उतना ही लाइट वो हट के वापस आ गया है, तो उस तरह की प्रोसेस ऑफ लाइट को हम स्पेकुलर ऑफ लाइट भी बोलते हैं, और इसको हम रिफ्लेक्शन प्रोसेस का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में जो चीज़ें याद रखने की हैं वो ये हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, कि लाइट रे जब भी किसी मीडियम में से चल के जाए और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद कम बैक हो जाए वापस सेम मीडियम के अंदर, तो इस तरह के लाइट के रिफ्लेक्ट, इस तरह का लाइट का वापस आ जाना उसी मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या? व्हेन एवर ए लाइट रे कम फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम एंड अटैक टू द सरफेस एंड कम बैक टू द सेकेंड, कम बैक टू द सेम मीडियम, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। अब इसके लिए जो हमारे पास में ये दो एंगल बने हैं, जितना एंगल लाइट का इधर बना है उतना ही एंगल लाइट का इधर बना है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद में सेकंड आता है हमारे पास में कि इंसिडेंट लाइट रे आके यहाँ पे टकराया, इस पॉइंट पे नॉर्मल लाइन भी यहीं से जा रहा है और रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी वापस यहीं से आ रहा है, तो तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, और जब एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं तो इसका मतलब हमारे पास में ये तीनों जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उसी पॉइंट को हम यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट बोलेंगे, और इसके लिए हम एक लॉ बनाएंगे और उस लॉ को बोलेंगे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन या नॉर्मल रे आर लाई ऑन द सेम पॉइंट। तो इसको भी हम एक लॉ बना लेंगे इसका। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं बेसिकली, फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड सेकंड लॉ होता है हमारे पास में इंसिडेंट रे नॉर्मल रे रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन सेम पॉइंट। तो इसको भी हम यहाँ पे दूसरा लॉ बना लेंगे, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए नॉर्मल रे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। उसके बाद में अब हमें समझना यहाँ पे ये है कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। बेसिकली एट्थ क्लास में हमें ये चीज़ पढ़ाई गई थी, और एट्थ क्लास के अंदर ही लाइट में ये भी बताया गया था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। अब अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास में रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बात मैं यहां से क्लियर कर दूं आपको, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइट के अंदर ही रिफ्लेक्शन होगा, नहीं, साउंड के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि साउंड भी एक वेव काम करता है। और आप लोगों ने ऐसा बहुत सारी बार सुना होगा, जब कभी आप किसी बड़े सारे रूम में जो होल होता है उसमें, या कहीं आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो या किसी आप किसी बहुत अलग से इलाके में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोग जो आवाज़ देते हैं ना,
तो वो आवाज़ आपको वापस सुनाई देती है। अब वो जो आवाज़ आपको वापस सुनाई देती है बिकॉज़ आपके मुंह से निकलने वाली जो वेव थी, साउंड वेव, वो टकराने के बाद ऑब्जेक्ट से वापस आ रही हैं लौट के, तो उस वजह से उस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उस तरह का भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो वेव की वजह से ही हो रहा है। तो उस वजह से लाइट जो है एज ए वेव काम कर रहा है, तभी भी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन साउंड भी ऐसे वेव काम करता है तो उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है। दोनों के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, साउंड वेव के अंदर भी और लाइट वेव के अंदर भी। ये कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ लाइट वेव के अंदर ही रिफ्लेक्शन होगा, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा भी था कि साउंड वेव के लिए भी रिफ्लेक्शन होता है, और उसकी आपने मिनिमम डिस्टेंस भी पढ़ी होगी 17.2 मीटर, क्योंकि साउंड वेव के लिए रिफ्लेक्शन के लिए इतनी मिनिमम डिस्टेंस का होना ज़रूरी होता है, इससे पहले साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट से टकरा के। इसके पीछे की बड़ी कहानी है, रीज़न है इसके पीछे भी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इसके लिए एंट्रांस के लिए अलग से, तो उसमें पढ़ लेंगे उस चीज़ को। अब आप लोगों ने यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि कंटिन्यू रिफ्लेक्शन होने वाला, अगर कोई हमारे पास में प्लान सरफेस है, प्लान मिरर है, और इसकी बिल्कुल साइड जो है बिल्कुल प्लान है, तो उसके सरफेस पे होने वाला जो रिफ्लेक्शन होगा, अगर लाइट यहाँ से आया तो ऐसे चला गया, तो उसके साथ में ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई बना, ये आर बना, तो ये एक रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद में अगर हमारे पास में कोई लाइट रे यहाँ से इंटर करता है, तो जो लाइट यहाँ से इंटर करता है उसके लिए नॉर्मल ये, और यहाँ से लाइट ये वापस निकल के चला जाता है फिर इस तरह से। तो ये जो जितनी भी लाइट इधर से आके गिरेंगी, लाइट का सोर्स, वो उतना ही इधर से वापस निकल के आ जाएगा, और जितनी लाइट इधर से जा रही है उतनी ही वापस आ जा रही है, तो सारे के सारे एक ही टाइम पर एक ही साथ में रिफ्लेक्शन दे सकती हैं। अगर सपोज़ करो मैं यहाँ से कोई बैटरी टॉर्च चलाता हूँ और यहाँ पर कोई मिरर ले लेते हैं, इस पर मिरर, और जैसे ही कोई लाइट रे यहाँ से गया तो लाइट में बहुत सारे पार्टिकल गए, सारे के सारे बीम ऑफ पार्टिकल टकराए एंड देन वापस आ गए, तो बीम ऑफ पार्टिकल सबके सबका एक ही साथ रिफ्लेक्शन हो जाना ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। बट अगर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास में जो सरफेस होगा वो प्लान नहीं होगा, वो सरफेस थोड़ा टेढ़ा तिरछा सा होगा, जिगजैग होगा। सपोज़ ये हमारे पास में है जिगजैग सरफेस, इसके एक साइड में हमने पॉलिश मान लिया है, और उसके लिए जो लाइट के पार्टिकल यहाँ पे आके टकराएंगे वो जल्दी ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जल्दी से ही अपना पहला ही रिफ्लेक्शन दे देंगे, और उसके बाद में जो लाइट के पार्टिकल इस वाले पार्ट में अंदर जाके टकराएंगे, और वो इतना ही बाद में रिफ्लेक्शन देंगे क्योंकि उस लाइट के पार्टिकल को आगे भी जाना था। ये देखो यहाँ पे इतना वो आगे गए हैं, तो उसके लिए जो इंसिडेंट एंगल आई बनेगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल आर, दोनों इक्वल होंगे, बट ये रिफ्लेक्शन पहले हो गया, ये रिफ्लेक्शन बाद में हुआ, तो इसका मतलब रेगुलर तो हुआ ही नहीं, साथ में तो हुआ नहीं, अलग अलग हुआ है, तो उसी को बोलेंगे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसकी सरफेस हमारे पास में क्या रहे, स्मूथ रहे। तो दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस जो होगा हमारे पास में बिल्कुल प्लान होगा, और इरेगुलर के अंदर हमारे पास में सरफेस बिल्कुल प्लान नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये बार बार यूज़ कर रहे हैं वर्ड मिरर, मिरर होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं, तो अब आइए इसी को समझते हैं कि हाउ मेनी व्हाट इज़ मिरर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर। तो इसे हम यहाँ से रफ कर लेते हैं दोनों टाइप को। मिरर बेसिकली अगर हम किसी भी ग्लास के कोई भी ग्लास ले लें, सपोज़ हमारी जो विंडो लगी हुई है उनमें भी ग्लास है, तो कोई भी ग्लास अगर हम ग्लास लें और उस ग्लास के एक साइड पॉलिश कर देते हैं, तो वो ग्लास फिर रिफ्लेक्शन का काम जो कर रहा है वो मिरर की प्रॉपर्टी पे ही कर रहा है। तो किसी भी ग्लास के अगर हम, ये ग्लास है सपोज़, इसके दोनों तरफ आर पार बिल्कुल दिखाई देता है हमें, और अगर इस ग्लास के हम एक साइड में पॉलिश कर दिया जाए तो फिर ये ग्लास हमारे पास में एक मिरर बन जाता है। और मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं, टू टाइप ऑफ मिरर होते हैं, टू टाइप ऑफ मिरर होते हैं। अब फर्स्ट जो मिरर होता है वो प्लान मिरर होता है, प्लान मिरर होता है, और सेकंड जो होता है हमारे पास में वो स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर होता है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर देखो, नेचरली ने हमें, नेचर ने, अल्लाह ने किस तरह अच्छे से समझाया है कि आपका जो हाथ है, ये हाथ पाम, इसके अगर हम यहाँ पे देखो साइड पे, इधर से बिल्कुल प्लेन होता है,
कोई पॉलिश नहीं होती, बट इधर से क्या होती है, इधर से रफ़ होता है, पॉलिश होती है। यहाँ पे देख लीजिए, इधर से बिल्कुल प्लेन होता है, एंड देन इधर से क्या होती है, पॉलिश होती है। तो इसका मतलब हम अगर इस हाथ को सीधा करके रखें तो एक साइड में तो हमारे पास में बिल्कुल स्मूथ सरफेस की तरह काम कर रहा है, दूसरी साइड में हमारे पास में ऐसे रफ सरफेस की तरह काम कर रहा है। तो आप भी ऐसे ही जो आप मेरा प्लान मिरर लेंगे उसका सीधी लाइन बनाएंगे अपने हाथ की तरह सीधा करके, और एक साइड में पॉलिश कर देंगे यहाँ से, और दूसरी साइड इसकी स्मूथ रह जाएगी। और जिस साइड पे पॉलिश करेंगे उसका नाम हमने अभी बताया, वो रफ़ सरफेस बन जाएगा यहाँ पे, और जिस रफ़ पॉलिश नहीं करेंगे वो सरफेस उसका स्मूथ सरफेस बन जाएगा। और इसका रफ़ सरफेस और स्मूथ सरफेस दोनों के कॉम्बिनेशन पे ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर दोनों सरफेस रफ़ हो गई वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर दोनों सरफेस स्मूथ हो गई तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए एक स्मूथ सरफेस का होना भी ज़रूरी है और एक रफ़ सरफेस का होना भी ज़रूरी है। तो प्लेन मिरर की जहाँ तक हम बात करें तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसको बिल्कुल सीधा रखें और उसे एक साइड पर पॉलिश कर दें, एक साइड पर पॉलिश ना करें, तो उस तरह के मिरर को प्लेन मिरर बोलते हैं। अब प्लेन मिरर पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, 10th क्लास के बोर्ड में तो ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो अगर हम एंट्रेंस देने जाएं उसके अंदर आते हैं। तो हम एक छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ पे लेके उस बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर हमने दो प्लान मिरर यहाँ पे लिए, एक प्लान मिरर ये लिया और दूसरा प्लान मिरर ये साथ में हमने ले लिया इससे, और इस प्लान मिरर का ये जो हमने एंगल बनाया सपोज़ ये थीटा, और इस थीटा के लिए दो प्लान मिरर लिए यहाँ पे, एक प्लान मिरर ये, एक प्लान मिरर ये, दोनों के बीच में इस तरह से, और इस थीटा के बीच में हमने यहाँ पे सपोज़ ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है इस तरह से। अब जो भी कहीं वो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं दो प्लेन मिरर के बीच में यहाँ पे रखा है, अब इस प्लेन मिरर से इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इमेज बनेगा, बेसिकली इसका इमेज सीधा यहाँ पे भी बनेगा एक, और यहाँ पे भी बन सकता है इसका इमेज, यहाँ पे बनेगा तो इसका लाइट इंसिडेंट अगर इधर जा रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन इधर, तो इसका इमेज इधर बनेगा। जब इसका इमेज इधर जाएगा तो अगर लाइट वैसी है, ये लाइट इंसिडेंट का काम करेगी तो ये फिर इसके लिए नॉर्मल आया, जब नॉर्मल आया तो रिफ्लेक्टेड, इस तरह से। तो इसकी बहुत सारी इमेज यहाँ पे बनेंगी। तो हम यहाँ पे इस बात ही को समझने के लिए इस बात इसे ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं कि कितनी इमेज किसी ऑब्जेक्ट की किस थीटा पे रखने के बाद बनती हैं। तो उसके लिए हम एज ए एग्जाम्पल इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे अगर हमने दो प्लान मिरर ले लिए और इस दोनों प्लान मिरर के ऊपर ये एंगल हमारे पास में थीटा जो है वो सपोज 60 डिग्री का बना हुआ है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है दोनों के बीच में, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी कितने नंबर ऑफ इमेज क्रिएट करेगा, तो ये इस थीटा के ऊपर डिपेंड होता है। इफ़ अगर हमारे पास में इस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिया, तो इफ़ थीटा इज़ इवन, अगर थीटा इवन है तो नंबर ऑफ इमेज जो क्रिएट होंगी इसकी, नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस वन। अगर हम इस थीटा को 60 में आने तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 360 डिवाइड बाय 60 माइनस वन, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एंड 6 से 36 एंड 6 माइनस के 1 इज इक्वल्स टू 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी क्रिएट होकर आ गई यहाँ पे, 5 इमेज बन के आ गई हैं। अब वैसे ही अगर यहाँ पे हम ओड ले लें इस थीटा को, ओड लेने का मतलब अगर सपोज़ इन दोनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम इवन ना लेके ओड लें, तो सपोज़ हम यहाँ पे बना लेते हैं इसका डायग्राम दूसरा, और हमने ये दो इमेज ले लिए। अब इन दोनों इमेज के लिए हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू सपोज़ मान लेते हैं कि सपोज़ 45 डिग्री हमने यहाँ पे ले ली है। अब 45 जो डिग्री हमने दोनों के लिए एंगल ले लिया है यहाँ पे, उसके लिए इफ थीटा इज ऑड, अगर थीटा ऑड है तो उसके लिए नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला बन जाता है वो इक्वल में आता है 360 डिवाइड बाई थीटा, यहाँ माइनस वन नहीं करेंगे, यहाँ माइनस वन नहीं करेंगे, नीचे इवन था तो माइनस वन किया था, यहाँ माइनस वन नहीं करेंगे, बस यही याद रखना है। तो 360 डिवाइड बाई 45 अब इन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं, हम कैंसिल आउट जब करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 9 5 45 9 4 36, तो 40 डिवाइड बाई 5 5 8 40, तो नंबर ऑफ इमेज बन के आएंगे 8, उसके लिए जब थीटा इवन था तो नंबर ऑफ इमेज बन के आएंगी 5।
अब प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं ऐसा होता क्या है। अगर आप लोगों को याद हो, आप बार्बर की दुकान पे जाते हैं बाल कटाने के लिए, तो पीछे से जो होता है कि उसका इमेज पीछे से मिरर, किसी का आगे से मिरर झुका हुआ होता है, तो उसी झुके हुए मिरर की वजह से हमारी 5, 3, 4, 5 इमेज बनती है कि पीछे वाली बैक साइड का हमारा 3 इमेज 4 इमेज दिखाई दे रहा है। वो उस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है जितना उसने मिरर को झुका के रखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये जो हमने बनाया है मिरर दूसरे के ऊपर झुकाया है, अगर दोनों मिरर 90 डिग्री पे तो थीटा 90 इवन, तो 900 कैंसिल आउट और 9 4 36 माइनस 1 करेंगे तो 3 इमेज बनेगा उसका। तो उसी वजह से ये जो इमेज नंबर ऑफ इमेज बनता है बार-बार की दुकान के अंदर भी वो थीटा के इनके ऊपर डिपेंड रहता है एंगल के। अब हम बात करते हैं अपना स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए अब इसे बना लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। यहाँ से हमारे 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है अब इसका। तो अब तक जो था लाइट का बेसिक था, अब इसी के साथ जो हम दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं वो दूसरे वीडियो के अंदर हम स्फेरिकल मिरर से चीज़ों को समझा रहे हैं और उसको आप नोट करते चलना साथ साथ।